बिजनेस थोड़ा सा अच्छे से बढ़ा नहीं तो मुझे लाइक आप लोगों को इसमें टाइम भी लग रहा है, तो अगर आप जल्दी ज्वाइन नहीं करोगे तो यार जल्दी टाइम पे खत्म कर नहीं पाएंगे। थोड़ा सा ट्राई करें कि जल्दी ज्वाइन कर ले, फिर 5 मिनट ले लोगे तो यार गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बता। तो स्टार्ट करें यार आज का। यस सर, यस सर। अब जो बच्चे लेट आएंगे वो लेट आएंगे अपने क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो भाई अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि मॉडुलस में इक्वलिटी, लेकिन अब आप क्या पढ़ोगे मॉडुलस में इनइक्वलिटी। अच्छा सर, ये मॉडुलस में इनइक्वलिटी क्या होती है? इनइक्वलिटी कुछ नहीं बेटा, जैसे कि अभी आपने क्या पढ़ा था मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू टू, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी थी राइट, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे कि भाई अगर आपके पास मॉडुलस में कुछ ऐसा आ जाए कि मॉडुलस में आपके पास ऐसा आ जाए कि भाई मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टू, ठीक है, तो फिर कैसे करोगे, तो वो हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर। अच्छा, तो भाई मॉडुलस, अच्छा हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें भाई। यस सर। ओके, सो मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या होगा कि भाई आपके पास ऐसा बोल दिया कि सर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और टू, या फिर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, या फिर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू, भी गलत है। तो ये हो गया। एंड अच्छा, ये मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू, या फिर रो डिफाइन कर भी सकते कि मॉड ऑफ एक्स। हाँ जी, तो भाई जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टू, तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी जिससे कि उसका जो मॉड है वो 2 से बड़ा हो जाए। इसका क्या मतलब है कि हमें एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जिसमें कि जिससे कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टू हो जाए। अच्छा, तो ये कैसे, इसको कोई मुझे थियोरेटिकली समझा सकता है क्या? जैसे मैंने डिस्टेंस वाला समझाया था आप लोगों को इक्वालिटी में, कोई मुझे समझा सकता है इसको? मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टू, सर डिस्टेंस वाले, ये डिस्टेंस वाले से मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, कोई एनी कोई बता सकता है? एनीवन? अरे बोलो अंजलि, अर्पिता, अमित, तरुण, बेटा बता सकते हो कि वो कैसे एक्सप्लेन किया था? जैसे कि मोड ऑफ एक्स इक्वल टू टू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो डिस्टेंस वाले से, याद है आप लोगों को? अरे बोलो तो, हाँ है ना, कुछ तो बोलो भाई। सर एक बार -2, क्या बेटा? सर माइनस इक्वल टू माइनस, मतलब ग्रेटर देन -2 एंड +2 लेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो आपने सोल्व करने का तरीका बता दिया। मैं बोलता तो बोल रहा हूँ थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली मतलब कि वो डिस्टेंस वाले से मैंने आपको बताया था। ऐसा कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ किया था हमने? ठीक सर डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नहीं ले रहे उसमें से। ए से है, बी पॉजिटिव था और बी से ए तो था। फिर इसका एक एक एक्स बताओ। की 0 से डिस्टेंस 2 है। बिल्कुल, एक्स की 0 से डिस्टेंस 2 है, और फर्स्ट, ये फर्स्ट वाले में क्या है बेटा?
एक्स की ए से डिस्टेंस टू है, राइट आया ना? यस सर। तो यहाँ पर भी मतलब चेंज नहीं होगा हमारा, यहाँ पर भी मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है? मोड मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है, एक्स की जीरो से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? टू होनी चाहिए। अरे ये क्या लिखा रहा है, मोडो भाई, मोडो ऑफ एक्स मतलब एक्स की जीरो से डिस्टेंस। अब वो क्या है, ग्रेटर देन टू है ना, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू या फिर जो एक्स की जीरो से डिस्टेंस है वो दो से ज्यादा होनी चाहिए, राइट भाई? जैसे कि आपने ये एक नंबर लाइन बनाई, जीरो लिया, इधर टू ले लिया और इधर माइनस टू ले लिया, तो अब मैं एक्स क्या लू कि एक्स की जीरो से डिस्टेंस टू से ज्यादा हो जाए, बताओ एक्स कहाँ आएगा? अरे भाई बोलो, अरे एक्स की मुझे वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी कि वो उसकी डिस्टेंस जीरो से दो से ज्यादा हो जाए? अरे बोलो भाई, वन। अरे वन अगर लूंगा तो फिर ये जीरो से वन के बीच की डिस्टेंस तो वन ही हो गई, जीरो से ज्यादा कैसे होगी? भाई मुझे इस वाले रीजन में लेना पड़ेगा x, तब जाके उसकी डिस्टेंस जीरो से दो से ज्यादा होगी, राइट? आया ना? यस। मुझे x जो है वो इस रीजन में रखना पड़ेगा अपना कि दो से बड़ा, या फिर मैं इस रीजन में भी तो रख सकता हूँ, आया ना भाई? इसमें भी तो x रह सकता है ना, क्योंकि भाई जीरो और माइनस टू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, टू है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि माइनस टू से और छोटा ले लेता हूँ, तो माइनस टू से और छोटा अगर ले लूंगा तो मेरा तो हो गया ना भाई काम, जीरो से दो के बीच की, जीरो से मतलब एक्स की जीरो से डिस्टेंस कितनी, दो से ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। क्लियर है? हाँ है ना। तो ये भाई डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ये भूलना मत, तुम भूल जाते हो क्योंकि रिवाइज नहीं करते हो, ये मत भूलना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है? और ये यहाँ पे अगर इक्वल का साइन आ जाएगा मतलब हम टू को भी कंसिडर कर सकते हैं फिर, हाँ है ना? कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्स की जीरो से डिस्टेंस दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए, तो अगर आप एक्स इक्वल टू टू भी रख दोगे तो जीरो और टू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, टू, तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? आया ना? यस सर। अच्छा ये मुझे थर्ड वाला बताओ कि ये क्या है, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू, ये क्या है, ये हमेशा होता है या कभी नहीं होता है? हाँ जी सर, कभी नहीं होता। कभी नहीं होता, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू कभी माइनस टू से बड़ी नहीं होती सर? हो। हाँ जी। अरे बोलो। यस सर, हमेशा होता है। हमेशा होगा ना भाई, मोड ऑफ एक्स की, मोड ऑफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हाँ है ना? डिस्टेंस तो हमेशा माइनस से बड़ी होगी ना, आया ना? यस सर। यस सर। डिस्टेंस कम से कम कितनी हो सकती है, जीरो, है ना? कि भाई एक्स ही अगर जीरो पे आ जाए, जैसे कि मोड ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो भाई एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट? तो कम से कम वो जीरो हो सकती है, लेकिन अगर ये माइनस है तो माइनस से तो हमेशा बड़ी रहेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट? क्लियर है? यस सर। ये कब होगा बेटा कि मोड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू, ये कब होगा, ये कब होगा? अरे बोलो, मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? ये तो और नेगेटिव से सर, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू, भैया तो ये माइनस टू के बराबर हो जाए या फिर उससे छोटा हो जाए, कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं, तो आज का हम पढ़ेंगे भाई सॉल्विंग मॉडुलस इक्वालिटी, इनइक्वालिटी आएगा ना यार यहाँ पे, इनइक्वालिटी। तो मोड में एफ ऑफ एक्स है, ठीक है? अब भाई जरूरी नहीं कि x ही आए हमेशा, कुछ और भी हो सकता है, f of x कुछ भी हो सकता है, 2x plus 1, 2x square plus 1, 3x plus 2, 3x की power 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है?
तो घबराना नहीं है, सिंपली जो भी आता है उसकी डिस्टेंस जीरो से देख लो, या फिर अगर हमने और भी तरीके देखे थे इसके सॉल्व करने के, ठीक है। तो बेसिकली ये इसको हम डिस्टेंस से ही देखेंगे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ए, तो भाई एफ ऑफ एक्स की जीरो से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स की जीरो से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ए ए होनी चाहिए सर, ए से ग्रेटर, ए से ग्रेटर देन होनी चाहिए। अरे बेटा ये दिख नहीं रहा क्या, छोटी होनी चाहिए ना, ए से छोटी होनी चाहिए, डिस्टेंस ए से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, आया ना? यस सर। ओके, तो डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए, मतलब जैसे कि भाई अगर आप यहाँ पर एग्जांपल ले लो कि f of x equal to x, ठीक है, तो mod of x is less than 2, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ तो 0 ले लो, 2 ले लो और एक माइनस 2 ले लो, ठीक है, तो अब आपको x वहां रखना है जहाँ की एक उस x की 0 से डिस्टेंस 2 से कम है, बताओ कहा क्या आएगा, अरे कहाँ आना चाहिए जी, क्या जीरो से टू, मैं बोल रहा हूँ कि x की 0 से डिस्टेंस आपको 2 से कम रखनी है, तो x कहाँ आएगा सर, लेफ्ट साइड, 0 से 2 के ओपन, बिल्कुल 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में रखे गए भाई, जैसे कि 1 ले लिया तो 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, तो क्या x की 0 से डिस्टेंस कितनी है 1 है भाई, तो 1 तो 2 से छोटा होता है तो हमारा काम बन गया, राइट, तो मुझे इस रीजन में रखना पड़ेगा उसको, आया ना? यस सर, भाई x शुड बी लेस देन 2, क्लियर है, आया ना? यस सर। लेकिन अगर भाई मैंने रख लिया भाई, जैसे कि ये तो बोल रहा है कि x लेस देन 2 होना चाहिए, मैंने x इक्वल टू ले लिया -4, है ना, क्या -4 से 0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, -4 से 0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अरे बोलो, -4 और 0 के बीच की डिस्टेंस -2 -1 -2 -3, अरे मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ भाई, -4 और 0 के बीच की डिस्टेंस 4, तो क्या 4 से छोटा होता है, 4 2 से छोटा होता है, यस यस, तो फिर मुझे बाउंडेशन लगानी पड़ेगी कि भाई आप x लेस देन 2 तो ले सकते हो, लेकिन किससे बड़ा होना पड़ेगा, x -2 से बड़ा होना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर, क्लियर है, तो आपको ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आपका x की 0 से डिस्टेंस 2 से कम होगी, राइट, अगर आप अपने x को, अगर आप अपने x को इस रीजन में घुमाते हो तो उसकी डिस्टेंस 0 से 2 से 0 से जो होगी वो 2 से कम होगी, क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर, है ना, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि f of x की mod of f of x की वैल्यू ऐसे छोटी है, तो f of x या तो सॉरी f of x ऐसे छोटा होना चाहिए, ठीक है, एंड यहाँ पर एंड का मतलब समझना, एंड f of x की वैल्यू माइनस ऐसे बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये एंड मतलब ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, राइट, हाँ है ना? तो एंड जब आता है तो हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, और बेटा यहाँ पर हिंदी मत बोलना, ठीक है, हिंदी बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एंड का हिंदी का मतलब होता है और, ठीक है, और इंग्लिश में हम एक और यूज करते हैं, और का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, या, राइट, ये या फिर ये, आइदर दिस और दैट, राइट, क्लियर है? तो एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इन दोनों कंडीशंस का, क्लियर है बेटा सभी लोगों को, कि आपकी ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए एंड ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका जो है ये सेटिस्फाई होगा, क्लियर है बेटा सभी लोगों को? चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला केस सोल्व करते हैं, कि जब इसकी डिस्टेंस ऐसे बड़ी हो, मोड ऑफ mod of f of x is greater than a, मतलब इसका मतलब क्या है भाई, जो f of x की 0 से डिस्टेंस है वो किससे बड़ी है, a से बड़ी है, राइट,
इससे ज्वाइन नहीं हो रही है क्लास, ये यही प्रॉब्लम आती है बेटा आप जब टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हो तो। एक सेकंड बेटा, ठीक है जी। हाँ तो अब भाई मुझे एफ ऑफ एक्स की जीरो से डिस्टेंस देखनी है जो कि ए से ज्यादा होनी चाहिए। तो बताइए भाई, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपकी मॉड ऑफ एक्स, सॉरी एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, लेट सपोज 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है इस पर के लिए था। तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये -2 हो गया। तो मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ कि जिससे कि एक्स और 0 के बीच की डिस्टेंस 2 से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन टू। ओके ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, राइट, कि एक्स आप 2 से बड़ा ले लो। सर आप एक्स 2 से बड़ा लोगे, लाइक 3 4 5 कुछ भी ले लो, तो 3 4 5 की 0 से डिस्टेंस 2 से तो ज्यादा ही होनी है। अच्छा जी, तो पहली कंडीशन आ गई आपकी एक्स ग्रेटर देन 2। अच्छा लेकिन अगर मैं इधर आ जाऊं तो भाई इधर मैं कोई नंबर ले लूं तो जैसे -3 ले लिया, क्या -3 की 0 से डिस्टेंस 2 से ज्यादा नहीं है? हाँ जी है सर, ना। तो भाई मैं ये भी ले सकता हूँ कि आप -2 से छोटा नंबर ले लो, -2 से छोटा नंबर लोगे कोई भी ले लो, -10 ले लो, -10 और 0 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 से ज्यादा ही होगी, यस मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट, है ना। सर, यहाँ पर या मैं क्या बोल रहा हूँ कि या तो आप -2 से छोटा ले लो या फिर 2 से बड़ा ले लो, या मतलब, या मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन या -2 -2 यूनियन 2 2 हाँ, मैं प्लस आंसर नहीं यूनियन पूछ रहा हूँ, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जस्ट ये कंडीशन सर पूछ मैं रहा हूँ। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब उसके बाद हम आएंगे, ठीक है। तो यस या मतलब यूनियन, जब भी आप बोल रहे हो ना कि ये हो जाए या फिर ये हो जाए, तो क्या लोगे? यूनियन। और ये बोलोगे कि यूनियन ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन, क्लियर है? ठीक इंटरसेक्शन यस है सर भाई, यस किसी को सर गुलाब जामुन पसंद है एंड रसगुल्ला पसंद है, तो किसी को अगर दोनों ही चाहिए तो वो क्या बोलेगा, मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, राइट, है ना। सर तो वहां पे वो क्या सर लेगा, इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन मतलब कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और यूनियन मतलब ये हो जाए या फिर ये हो जाए, है ना भाई, दोनों में से किस कोई एक भी दे दोगे तो भी चलेगा, क्लियर है? वो ऐसा हो जाएगा एक्स लेस देन -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यूनियन, ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? अब एफ ऑफ यस एक्स की जगह यहाँ पर कुछ भी आ जाए हमें क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है? ओके सर चलिए फिर यस आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि फाइंड मॉड ऑफ 4 -3x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, देन एक्स की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो इसका स्टार्ट करते हैं, बताइए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है? हमारा कैसे होता था, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, फोर सर 4 -3x, वेरी गुड, -3x बिल्कुल 4 -3x, राइट। यस तो भाई वहां पर हम क्या करते थे बताइए, अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट करूं मैं? 4 -3x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, देखो ना यहाँ पे, अगर एफ ऑफ एक्स की लेस देन इक्वल टू ये वन वाला था बाई तो हम क्या करते थे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आते माइनस ए से बड़ी, मतलब माइनस ए से बड़ी होनी चाहिए एंड ए से छोटी होनी चाहिए, राइट, हम ऐसे ही कुछ करते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, पहली बात तो यहाँ पर सर देखो लेस देन वाला है, ठीक है, तो लेस देन वाले में क्या करते थे, 4 -3x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए भाई, ये यहाँ पे इक्वल का साइन है इसलिए मैं इक्वल का साइन भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2, क्लियर है बेटा? अगर ये सर वाला केस होता था तो हम क्या करते थे कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -a एंड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर a जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा बेटा हमेशा,
चलिए जी, तो एक तो ये कंडीशन हो जाएगी, एंड एक और क्या कंडीशन होगी आपकी, 4 माइनस 3 एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो इसको आप 4 सॉल्व कर लेंगे सर, ये तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। तो पूरे इसमें भाई x का जो है कोफिशिएंट वो नेगेटिव है, तो पूरे इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, एंड इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई 3x इज लेस देन और इक्वल टू 9/2। ठीक है, एक सेकंड, बेटा मैं कुछ बच्चे शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ना एक वापस से रिज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट से। यस सर, यस सर। चाइल्ड, हाँ जी, चलिए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि 3x is less than or equal to 9/2, clear है? अब अगर मैं तरफ 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा सर? सर स्क्रीन शेयर नहीं है। भाई टाइम पे ज्वाइन किया करो यार, ये मैं डेली नहीं करूंगा, अब फिर 6-5 के बाद जो आ जाता है वो ठीक है, जो नहीं आएगा नहीं आएगा, फिर वो रिकॉर्डिंग नहीं। आप आते हो 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, ये सही बात नहीं है, बाकी बच्चे आपके वजह से डिस्टर्ब होते हैं। चलिए जी, 3x इज लेस देन और इक्वल टू 9/2। अच्छा, अब अगर दोनों तरफ 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। यस सर, पहली कंडीशन हमें अपनी मिल गई, ठीक है, अब दूसरी कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फिर वापस से यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या क्या हुआ बेटा, 7/6 आएगा, 7/6। अच्छा आंसर बता रहे हो, ओके ओके, ठीक है बेटा, तो माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ से क्या आएगा, 3x is greater than, अगर 4 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 7/2, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, x अगर हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, मल्टीप्लाई, अरे नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर एंड लग रहा है, मतलब हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन की यूनियन, सर इंटरसेक्शन, बेटा, अरे भाई साहब पूरी रामायण हो गई और फिर बोल रहे हो राम जी बोलते, हाँ जी, तो ये हो गया अभी, तो अब हम को लेना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ नहीं है, हाँ जी बेटा, सर ये 7/2 कहाँ से, समझ नहीं आया, 7/2 कहाँ से आया, अरे भाई 4 को उधर लेके जाओगे तो 4 माइनस 1/2 क्या होगा, हाँ जी वंश, यस सर, 4 को माइनस 4 को उधर लेके जाओगे तो प्लस 4 होगा, प्लस 4 हो, एंड 4 में से 1/2 सबट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, थोड़ा सा फोकस रहो बेटा, ये बेसिक कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में करना सीख लो, अच्छा 4 उधर लेके गए, 4 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ये रे थोड़ा सा एकदम दिमाग खोल के बैठो यहाँ पे कि सर क्या कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लाइक मार्वल की मूवीज एकदम समझ आएगा तो ना समझने का कि यार ये कैसे, क्या समझ आएगा, समझ ओके सर, ठीक है, यस सर, थोड़ा सा दिमाग एकदम खोल के बैठो यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन समझ सकते हो आप, ठीक है, तो भाई मुझे इन दोनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, तो मैं बनाऊंगा नंबर लाइन, नंबर लाइन अगर मैंने बनाई तो मुझे कौन कौन से नंबर मार्क करने पड़ेंगे, एक तो करना पड़ेगा 3/2 और एक और क्या करना पड़ेगा, 7/6, तो 3/2 बड़ा है या फिर 7/6 बड़ा है, 3/2 बड़ा है, 3/2, 3/2, बिल्कुल, तो
भाई एक बोल रहा है आपसे कि मुझे क्या चाहिए, 3/2 से छोटा चाहिए, राइट। एक बोल रहा है आपसे कि आपको जो है 3/2 से छोटा देना पड़ेगा, हाँ आप 3/2 भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे 7/6 से बड़ा चाहिए, हाँ आप 7/6 भी दे सकते हो। वो बोल रहा है कि आप मुझे 7/6 भी दे सकते हो लेकिन मुझे इससे बड़ा चाहिए, तो भाई क्या लेंगे हम? सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बिल्कुल, तो जहां दोनों मिल रहे हैं वो हम ले लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, तो बताइए मुझे आंसर क्या आएगा, बोलो। अरे तो दो बताओ ना, पूरा आंसर बताओ कौन से जो ब्रैकेट वाले। क्लोज ब्रैकेट लगेगी, क्लोज्ड ब्रैकेट 7/6 टू 3/2 क्लोज, 7/6 टू 3/2 क्लोज, वेरी गुड, बिल्कुल। ऑप्शन सी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आंसर देख तो नहीं लिया था आपने, मैं आंसर नीचे लिख के लाता हूँ। ओके सर, नहीं दिख रहा था। ओके चलिए बढ़िया, वेरी गुड आपने। चलिए सभी को क्लियर है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। तो अच्छा भाई सेकंड वाला कैसे करें, किसी को बताओ, मैं तो फंस गया हूँ, मुझे नहीं। सर आपकी आवाज में, यस सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क इशू हो। नहीं सर पॉज हो गए मे बी। हेलो 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 हाय हो हाय 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 हेलो 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 ब्रो, कैसे हो? जय श्री राम। बढ़िया, आप सुनाओ। श्री राम रिकॉर्डिंग ऑन है, मत बोलो कुछ नहीं। सर नहीं आए सर, कभी नेटवर्क इश्यू है। अच्छा अच्छा अब आए सर। आ गया सर। हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है अपनी? ओके सॉरी यार, ठीक है जी, जस्ट हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ओके हाँ जी, तो ये कैसा वाला केस है बेटा कि मॉड में एफ ऑफ एक्स की डिस्टेंस जीरो से डिस्टेंस की ऐसे ज्यादा है, राइट, कुछ ऐसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर सर? 2x-1/x-1। बिल्कुल एफ ऑफ एक्स की यही वैल्यू है, एंड ए की वैल्यू क्या है 2। तो इसको हम सोल्व कैसे करते थे यहाँ पर, उसको सोल्व कैसे करते थे बेटा हम यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो आप ऐसे ज्यादा कर दो या फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप माइनस ऐसे छोटी कर दो, राइट, ऐसे सोल्व करते थे, आया ना? क्लियर है? ओके चलिए जी, तो सोल्व करते हैं फिर। एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, 2x-1/x-1 इज ग्रेटर देन 2, या फिर में क्या आता था हमारे पास, और है ना,
या फिर ये आ जाएगा कि 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन इज लेस देन माइनस टू। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। है ना सर। तो अब बताइए कैसे सॉल्व करूं इसको, जल्दी बोलो। ये तो वेवी कर में हम पढ़ चुके हैं ना, x माइनस टू को दूसरी साइड ले जाओ। x माइनस टू, x माइनस टू कहाँ दिख रहा है आपको? x माइनस वन, सॉरी सर। बेटा x माइनस टू को नहीं ले जा सकते उधर कहीं भी। x माइनस वन को सर? नहीं सर, बेटा x माइनस वन को नहीं ले जा सकते उधर। क्या आपको पता है इसका साइन क्या है x माइनस वन का? सर क्या आपको x माइनस वन का साइन पता है? मैंने क्या बोला था, जब तक आपको साइन पता ना हो तब तक आप वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ये एकदम गांठ बांध करके रख लो। ये अगर कुछ ऐसा होता कि x स्क्वायर प्लस वन, तो मैं बोल सकता था कि ये पॉजिटिव है तो आप इसको कहीं भी लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसका साइन कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टू को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, फिर ये माइनस टू इधर आएगा एंड ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस वन माइनस 2x प्लस वन। ठीक है, एंड डिवाइड में आ जाएगा आपका x माइनस वन। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके यस, तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। ये 2x से 2x कैंसिल हो गया एंड 1 से 1 कैंसिल हो गया, राइट? आया ना? यस सर। यस सर। तो भाई ये तो हमारे पास क्या बच गया, कुछ तो गड़बड़ कर दी है ना, माइनस टू माइनस टू ये प्लस टू प्लस टू आना था। बिल्कुल ये आएगा आपके पास प्लस टू, मैंने वो टू से मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके क्लियर है बेटा? Yes, sir. Okay, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड सेकंड वाले में क्या होगा कि माइनस 2 को आप इधर लेके आओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, सॉरी हाँ जी, अभी आप एलसीएम भी ले लोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये x माइनस वन इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस का 2x माइनस का 2 एंड इट इज लेस देन 0। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ काटा पिटी हो नहीं पाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे सीधा 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। इधर क्या आया था कि 1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड इधर क्या आया था बेटा, 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 0। तो भाई मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव कब होगा, जब x 1 से बड़ा होगा, राइट? अगर x, अगर आप 1 से छोटा रखोगे, लेट सपोज आपने x 0 रख दिया, तो क्या होगा? हाँ जी, अगर आपने x जीरो से छोटा लाइक जीरो भी रख दिया तो माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, क्या ये सही है? नहीं है ना? नो सर। मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ से कि x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा, राइट? x माइनस वन को अगर आपने जीरो से बड़ा कर दिया तो ये सही हो जाएगा भाई। अगर आपका वन तो पॉजिटिव है ही सही, आपने x माइनस वन को भी पॉजिटिव कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है? है ना, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x ग्रेटर देन वन। अच्छा जी, अब इधर आते हैं, यहाँ पे सीपी क्या क्या है भाई, यहाँ पर सीपी आए आपके 1 एंड 3 बाय 4, राइट? 3 बाय 4 एंड 1, तो नंबर लाइन बना लो। तो नंबर लाइन बनाओगे तो क्या आएगा, 3 बाय 4 यहाँ कहीं आएगा, 1 कहीं यहाँ आएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? आया ना? यस सर। ओके, तो मुझे कौन सा चाहिए, नेगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए क्योंकि लेस देन वाला साइन है एंड 3 बाय 4 नहीं चाहिए एंड 1 भी नहीं चाहिए। तो यहां से आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन 3 बाय 4 टू ओपन 1। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, कोई कुछ कर रहा है क्या? अच्छा
ठीक है बेटा, तो x बिलोंग्स टू 3/4 से ओपन 1, क्लियर है? ठीक है यस सर। ओके, अब मुझे दोनों का इंटर से एंड है, मतलब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा दोनों का, राइट? हाँ या ना? सर दोबारा से समझा दो, नहीं लगा पता। अरे एक सेकंड, यहाँ पर और था ना, सॉरी और था बेटा, और था तो और में यूनियन लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर और था हमारे पास, ठीक है? हाँ जी बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? हेलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर दोबारा से। ओके बेटा, कौन सी वाली स्टेप समझ में नहीं आई? शुरू से ही समझ में नहीं आया? शुरू से तो समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि ये तो हम अभी पढ़े ही थे ना, कि अगर आपका मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए है, तो हमारे पास ये दो कंडीशन आती है, आती कि नहीं आती है? यस सर, है ना? तो हमने बस वही कंडीशन फॉलो करी है कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x-1/x-1, और ए क्या है आपका 2 है, ठीक है? तो पहली कंडीशन हो गई कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए, मतलब 2 से बड़ी हो जाए, या फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 से छोटी हो जाए, ठीक है? तो हमने यहाँ पर वही कंडीशन लगाकर सोल्व किया है, ठीक है? तो हमने 2x-1/x-1 > 2 को सोल्व करेंगे, तो 1/x-1 > 0 आ रहा है, एंड 2x-1/x-1 > -2 को सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 4x-3/x-1 > 0, ठीक है? फिर यहाँ से हमारे पास क्या आया कि x > 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 पॉजिटिव है, एंड मुझे सिर्फ x-1 को पॉजिटिव करना है, अगर ऊपर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है तो मेरा पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले से क्या आया, x > 1, एंड सेकंड वाले से हमने लाइक नंबर लाइन पर बना करके मार्क करके अपना आंसर निकाला है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, ठीक है? तो इन दोनों का यूनियन लेना है तो कैसे लूंगा भाई, नंबर लाइन बना लो, 3/4 बना लो, एंड 1 बना लो, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। एक बोल रहा है कि मुझे 3/4 से 1 के बीच का चाहिए, एंड एक बोल रहा है कि मुझे 1 से बड़ा चाहिए, है ना? यस सर, ठीक है, और ये दोनों पर ओपन ब्रैकेट आएगा, और मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्लियर है? यूनियन में तो भाई ऐड कर देते हैं ना, या तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, क्लियर है? यहाँ से x x बिलोंग्स टू क्या जाएगा बेटा, 3/4 क्लियर है सभी लोगों को? यस सर, यस सर, आपका आई थिंक कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है? डी, ठीक है बेटा, यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, एक तो आप लेट आते हो, फिर उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाती है। द कंप्लीट सेट ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी इज व्हाट? अच्छा जी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भैया, बताइए जल्दी से, बताओ, लेस देन वाला है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, टाइम नहीं लगना चाहिए, अरे जल्दी बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? तो बताओ क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू वाला साइन है, बताओ क्या करेंगे, इस बार एफ ऑफ एक्स क्या है, इस बार कौन सा वाला केस है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन माइनस, उसके अंदर जो कुछ भी है वो आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है? तो आप ये बताओ इस कंडीशन क्या होती थी, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए की कंडीशन क्या होती थी, इसकी कंडीशन क्या होती थी, सुजल बोलो बेटा, सर डी ऑप्शन,
सर डी ऑप्शन आएगा आंसर। अरे इतनी जल्दी आंसर बता दिया तुमने? यस सर। वो गलत है तो उसकी बात है कि वो गलत है। चलिए कोई नहीं, आपने ट्राई किया लेकिन मुझे भेजना कि कैसे ट्राई किया है। ठीक है, तो मुझे पहले बताओ कि f of x less than or equal to a में कंडीशन क्या क्या आती थी? x is greater। अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। हाँ, f of x is greater than a f of x greater than equal to minus a greater than or equal to minus a, very good। एंड आता था कि और आता था, ये बताओ। एंड यहाँ पर एंड आएगा कि और आएगा? सर एंड आएगा, यहाँ पर एंड आएगा, वेरी गुड। एंड बोल, इंटरसेक्शन। हाँ नहीं, एक और कंडीशन क्या आएगी? सर आपकी आवाज कट हो रही है बीच बीच में। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? यस सर। अब आई? हाँ जी बोलो बेटा, दूसरी कंडीशन क्या होती थी? अरे दूसरी कंडीशन बोलो भाई। लेस देन और इक्वल टू ए, बिल्कुल भाई। देखो एफ ऑफ एक्स की जीरो से डिस्टेंस ए से छोटी होनी चाहिए, तो वो माइनस ए से बड़ा होना चाहिए एंड ए से छोटा होना चाहिए, तभी तो वो उस लिमिट में आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सैंडविच। और अच्छे से कर देता हूँ, ये क्या है आपका सैंडविच? ये बीच में फंस गया बेचारा, माइनस ए से ए के बीच में फंस गया। जब भी ये लेस देन वाला साइन दिखता है मतलब सैंडविच, इन दोनों के बीच में फंस गया। ये आलू का मसाला है। यस सर। ठीक है, अब ये इसको पता नहीं क्या बोलेंगे कि भाई ये फेल गया। अब ये फेल गया मतलब आलू का पराठा हो गया है। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो आपका एक कंडीशन आएगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी होनी चाहिए और दूसरी आएगी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए से छोटी आनी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? मोड में है हमारे पास एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, एंड यहाँ पर क्या आएगा बेटा? मोड में एक्स माइनस वन, इसका मोड खत्म हुआ, फिर माइनस वन एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू वन। क्लियर है? हाँ ना सर। अरे बोलो तो। यस सर। तो अरे सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पर मोड क्यों लगा दिया? मोड तो हटा दिया था ना, मोड हटाने के लिए तो ये लिखा है। ओके तो अब इसको सोल्व करते हैं भाई। यहाँ पर ये माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? यस सर। तो मोड में एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बताओ आंसर क्या आएगा? मोड का आंसर कब जीरो से बड़ा होता है? क्या हमेशा होता है या कभी नहीं होता है जीरो या जीरो से बड़ा? हमेशा होता है, हमेशा होता है भाई। यहाँ पर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, आप x की वैल्यू कुछ भी लो ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, मोड में x माइनस वन की वैल्यू है, माइनस वन को उधर लेके जाओगे तो वन प्लस वन हो जाएगा टू। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि मोड में x माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू टू। अब मुझे बताओ इसकी क्या कंडीशन आएगी? अरे बोलो, वापस लेस देन वाला आ गया ना आपके पास। लेस देन वाली क्या कंडीशन होती थी? अरे भाई बोलो यार, ऐसे मत करो। हाँ जी, f of x is less than minus 2। हाँ हाँ बोलो। अरे बोलो माइनस टू। सॉरी बेटा, आपकी आवाज थोड़ी सी मिक्स हो गई, फिर से बोलना। सर x is greater than minus 2। x is, बेटा x कहाँ है यहाँ पे? तो x माइनस वन है ना मोड के अंदर। f of x is, बिल्कुल x माइनस वन की वैल्यू होगी आपकी माइनस टू से बड़ी या उसके बराबर, राइट?
कि भाई ये मॉड के अंदर आ गया, मतलब मॉड का जो भी है वो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो आप माइनस टू से बड़ी करो, सॉरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप माइनस टू से बड़ी बड़ी करो, एंड एंड ये जब भी लेस देन वाला साइन आता है तब क्या बोलेंगे हम, एंड, और एक्स माइनस वन की वैल्यू टू से बड़ी, टू से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है, आया ना? Yes, sir. ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ से क्या आया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस वन को अगर इधर भेजोगे तो माइनस वन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस वन को इधर भेजोगे तो x इज लेस देन और इक्वल टू थ्री हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, तो भाई अब हमें इन सब का इंटरसेक्शन लेना है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो ये तो ऑल रियल नंबर है, तो इसको तो पिक्चर से हटाई दो, क्योंकि इसको तो कुछ भी चलेगा, तो जो सेकंड वाले को चलेगा वो फर्स्ट वाले को भी चलेगा। क्लियर है, आए ना? यस सर, यस। तो अब मुझे यहाँ पे जो है, यहाँ पर इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो मुझे बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, लेते इंटरसेक्शन एक बोल रहा है माइनस वन से बड़ा और एक बोल रहा है थ्री से छोटा, ठीक है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये भी बना रहा हूँ मैं, एक बोल रहा है आपका माइनस वन से बड़ा लो सर, और एक बोल रहा है आपका कि नहीं नहीं मुझे तीन से छोटा चाहिए, तो तीन से छोटा चाहिए मतलब ये ऐसा कुछ, ठीक है। यस सर, क्लियर है। तो अब ये दोनों जहां जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा, और आपका माइनस वन भी मुझे चाहिए इसलिए इस पे क्लोज सर्कल, और तीन भी मुझे चाहिए इसलिए इस पे क्लोज सर्कल। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी लोगों को? ओके, अभी वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं फटाफट, बेटा आपके पास टाइम है नहीं, ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा जल्दी साथ देना, ठीक है। हाँ जी बताइए, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें हम बता नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह अब क्या लिख दिया इसने भाई, यहाँ पर तो पहले क्या आता था, कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट आता था, राइट, हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट था, लेकिन अब की बार क्या हो गया कि अब की बार कांस्टेंट नहीं आया, तो कांस्टेंट नहीं आया तो क्या करेंगे सर? हाँ जी, कांस्टेंट नहीं आया तो क्या करोगे? इसको हमने तोड़ते सीखा था लास्ट क्लास में, दिखाया ना तो बोलो, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? तो बताइए इसको तोड़ेंगे कैसे? अरे बोलो यार, हाँ जी बोलो, किसी ने हैंड रेस किया क्या? सर इस पर आइडेंटिटी लगाएंगे क्या बेटा? आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी? A क्यूब माइनस बी क्यूब, नहीं वो तो लगानी पड़ेगी हमें, बट इसके अलावा इसको स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा? आपने वो देखा था वहां पर कि मॉड ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा रहता था, इक्वल टू में कुछ जीरो हो गया लेट सपोज, तो हम रीजन डिसाइड करते थे कि नहीं करते थे? रीजन डिसाइड किया था हमने कल की क्लास में कि सर इसके जो है सीपी आप देख लो, सीपी पे जो है आपका हो जाएगा, अगर आपका जो सीपी है उससे आपको लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा, याद आ रहा है कुछ कुछ? चलिए थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते फिर आपको याद आएगा। तो देखिए मॉड में आपके पास है एक्स क्यूब माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन माइनस एक्स, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब इसको अच्छा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आई थिंक, है ना? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे, एनीवन? हाँ तरीका बोलो बेटा, ए माइनस बी ब्रैकेट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बिल्कुल वेरी गुड तरीका, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी मैं वही अप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन माइनस एक्स। तो मुझे बताओ इसके सीपी क्या क्या आएंगे,
सीपी बोलो फटाफट, कहां पर जीरो हो रहा है? सर एक वन आएगा, सिर्फ वन, सिर्फ वन ही आएगा, क्योंकि आप देखो यस सर वन ही क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है, इसका डी निकालो आप, डी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा बेटा, आप निकाल लेना। तो डी नेगेटिव होता है उसका मतलब डी नेगेटिव है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है बेटा ये पूरा का पूरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट आया ना, है ना। और अगर आपका ए नेगेटिव हो जाता तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाता, अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो, लेकिन हम भी हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो इसको मैं बाहर निकाल लूं भाई फिर तो, है ना, आया ना सर। तो ये हो जाएगा हमारा ये, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा मोड के बाहर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट, इसको हम श्योर है कि ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और मोड में रह जाएगा आपका सिर्फ मोड ऑफ एक्स माइनस वन, एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे सीपी बता दो, सीपी क्या क्या है मोड में, सिर्फ एक्स इक्वल टू वन है ना सीपी, राइट। तो एक बार मुझे देखना है वन से लेफ्ट साइड और एक बार मुझे देखना है वन से राइट साइड, राइट। तो केस फर्स्ट लेते हैं अपना कि आपका जो एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, ठीक है। अगर आपका एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा तो क्या होगा बेटा, बोलो भाई, ये एक्स ये तो जो मॉडुलस के बाहर है वो तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ये अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो भाई मोड के अंदर कोई पॉजिटिव है तो वो तो अपने आप पॉजिटिव रहेगा, आप मॉडुलस लगाओ या मत लगाओ, आया ना, राइट यस सर। और ये 1 माइनस x को आप उधर लेके आओगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा ना, लाइक ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस, ठीक है। तो अब इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन है कि नहीं है, x माइनस 1 इन दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एंड यहाँ पे भी प्लस वन बचेगा ना बेटा, आया ना, यस सर, सही तो क्या होगा, एक्स माइनस वन एंड इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, अब इसका देखो वापस से आप, यहाँ पर डी नेगेटिव है एंड ए पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, होगा कि नहीं। अगर आपका डी नेगेटिव होता है और ए पॉजिटिव होता है, ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर उधर भेज सकते हैं, राइट, जीरो के डिवाइड में लगा दो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, हमें पता है कि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स माइनस वन, और इसको अगर आप जीरो के डिवाइड में भेजोगे तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो ओनली, राइट, आया ना, यस सर, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, x ग्रेटर देन वन, क्लियर है सभी लोगों को, यस सर, यस सर, ओके। अभी केस टू देखते हैं, केस टू क्या होगा आपका, कि अगर आपका x जो है वो लेस देन वन हो गया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा सर, वो नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा फिर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड और क्या होगा बेटा, ये मोड में जो है वो आपके साथ कैसा ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा, क्लियर है, ओके, एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, वन माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, या फिर इसको इधर लेके आते हैं पहले, तो क्या होगा, अगर ये इधर 1 माइनस एक्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, एंड बेटा ये जो माइनस साइन है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही बचेगा, बचेगा कि नहीं, यस सर, यस सर, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, यस सर, ओके, ठीक है सर।
कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? तो यार इतना लंबा छोड़ा नहीं सकते, तो दिल भी चाहिए। बिल्कुल चलिए कोई नहीं, अभी अब कर ही दिया है तो कोई बात नहीं, इसको भी बता दूंगा कि इतना और लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं था। ये x माइनस वन को अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? वन माइनस, और इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है आया ना? और ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये प्लस वन है और इधर ये प्लस माइनस वन आएगा, ठीक है आया ना? ठीक है, तो यहाँ पर बचा सिर्फ x माइनस वन, और इधर क्या बचेगा? ये अगर बेटा यहाँ पर माइनस में ये बाहर लेके आ जाता हूँ, ठीक है ये वाला माइनस में बाहर लेके आ जाता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी माइनस अगर मैं लाइक माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होकर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ सीपी क्या क्या है इसके? सीपी है इसके जीरो क्योंकि सभी की पावर ऑड है, वन है ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब मुझे क्या क्या चाहिए भाई? एक तो ये माइनस वन जीरो और वन जो है ना मुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा x जो है वो लेस देन 1 है, तो मुझे 1 पे ओपन ब्रैकेट चाहिए, क्लियर है? ओपन सर्कल चाहिए, क्लियर है? ये क्यों किया मैंने? क्योंकि x लेस देन 1 है हमारा, केस क्या है? x लेस देन 1 है। तो भाई यहाँ पर क्या क्या आएगा? मुझे नेगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव चाहिए? मुझे नेगेटिव चाहिए, राइट? तो नेगेटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है बेटा? ये यहाँ यहाँ दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या है बेटा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, माइनस वन और जीरो पे क्लोज ब्रैकेट आएगा एंड वन पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इन दोनों का लेना पड़ेगा यूनियन। यूनियन क्यों लिया? क्योंकि मैंने यहाँ पर केस में डिवाइड कर दिया था कि जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब मेरा x लेस देन 1 आया। अच्छा जी, एक सेकंड एक सेकंड बेटा, यहाँ पर ये ग्रेटर देन का साइन है ना? बिल्कुल, तो ये तो मेरा ऐसा का ऐसे ही आ गया कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा जी, एंड सेकंड वन वाला क्या आया बेटा? माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, यूनियन 0 से 1। तो अब इन दोनों का मुझे यूनियन लेना पड़ेगा, केस 1 यूनियन केस 2। ये ऐसा क्यों किया बेटा? सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही अपना केस डिवाइड कर लिया था कि भाई एक बार मैं 1 से बड़े पे देखूंगा और एक बार 1 से छोटे पे देखूंगा, तो फिर एट द एंड मुझे इन दोनों का यूनियन देखना, यूनियन लेना पड़ेगा फॉर माय आंसर, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 का यूनियन लेते हैं। तो केस 1 क्या है बेटा? x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और केस 2 क्या है आपका? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, यूनियन 0 से 1, ठीक है। तो भाई सीधा सीधा सा ले लेते हैं यूनियन, ठीक है। थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। भाई एक बोल रहा है कि माइनस वन से माइनस वन ये जीरो एंड वन, ओके। पहला वाला बोल रहा है कि माइनस वन से एक तो छोटा ले लो आप, एंड माइनस वन को भी लेना, और फिर जीरो और वन के बीच में ले लेना, जहां पर कि आप जीरो को लोगे लेकिन वन को नहीं लोगे। लेकिन फिर जब ये केस फर्स्ट है, यहाँ पर बोल रहा है कि वन को भी लो और वन से बड़े वाले को ले लो, तो फिर क्या करूंगा? वन से बड़ा ले लिया और ये इस पे फील्ड सर्कल बना दिया, क्लियर है सभी लोगों को? है ना? तो अब यूनियन क्या आ रहा है आपका? यूनियन अगर आप इन दोनों का लोगे, यूनियन मतलब जहां पर आपको एक लाइन भी दिख जाए, यूनियन मतलब आपको जहां एक लाइन भी दिख जाए वो आपका आंसर आना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा बेटा? माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक मुझे एक लाइन दिख रही है, फिर उसके बाद एक लाइन कहां दिख रही है? क्लोज जीरो से इंफिनिटी तक दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और वन भी मुझे लेना है क्योंकि मैंने यहाँ पर फील्ड सर्कल बनाया है, राइट? क्लियर है? हाँ ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फिर, क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके यस सर, सर हो गया। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है,
हाँ जी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है, आप पांच मिनट में जस्ट देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका प्रूफ वगैरह चाहिए होगा तो प्रवीण सर से आप वीडियो मांग लेना, वो आपको दे देंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है आपकी, कि मोड ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा आपका। ठीक है, मोड ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस एक्स कब, जब आपका एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, आया ना, क्लियर है? यस सर, यस सर। और थर्ड ये भी हमने देखा था कि मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, राइट। फोर्थ वाली कंडीशन भी हमने देखी थी कि रूट में एक्स स्क्वायर अगर लिखा है इसका मतलब क्या है, मोड में एक्स, है ना, ये भी हम चारों यूज कर चुके हैं, राइट। एंड फिफ्थ में भाई जीरो तो आपका ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, तो जीरो तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्लियर है। सिक्स्थ वाला भी इम्पोर्टेंट है कि भाई मॉडुलस जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कि एक्स एक्स वाई है ना, एक्स वाई जो है मोड के अंदर है, तो x को भी आप अलग से मोड के अंदर लिख सकते हो और y को भी अलग से मोड के अंदर लिख सकते हो, और सेम केस जो है ये सर डिवीजन में भी चलता है, क्लियर है सभी लोगों को? यस यस, मोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। ठीक है, एंड यहाँ पर ये बेटा सिर्फ दो के लिए ही नहीं, आपके इवन दो से ज्यादा भी आ जाए ना तो भी काम करेगा, कितने भी आ जाए मोड के अंदर उन सभी को आप अलग अलग मोड के अंदर लिख सकते हो, क्लियर है। बस ऐसे मत लिख देना कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, ये मत लिख के आ जाना, ये सरासर गलत है। ठीक है, क्लियर है? ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये सिर्फ कुछ कंडीशन होता है। ठीक है, ये सिर्फ कुछ कंडीशन में होता है, ये सिर्फ कुछ कंडीशन में होता है, वो कंडीशन क्या होती है, करेक्ट इन सम केसेस ओनली, और वो केसेस क्या होंगे, कि आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर आपका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होना चाहिए, कहने का मतलब आपका एक्स और वाई दोनों सेम साइन के होने चाहिए, सेम साइन के अगर होंगे तो क्या होगा बेटा, तो उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आता है, राइट, आया ना? अरे पावर आ रही कि नहीं आ रही आपको? तर आ रही है। ओके, ठीक है, तो ये वाला कब करना है, जब x और y का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो, भाई आप कोई भी x और y की रेंडम वैल्यू लेके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपका x और y पॉजिटिव है मल्टीप्लीकेशन तो ये सही है, अगर x y नेगेटिव हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में तो फिर ये सही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारी वही है कि मोड ऑफ x प्लस y ये जो है ना हमेशा छोटा होता है और सिर्फ एक केस में बराबर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, ये कब होगा, जब एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट साइन। ठीक है बेटा, अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। ठीक है भाई, तो डिफरेंट साइन होना है मतलब एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन जीरो से छोटा आना चाहिए। ठीक है, कंडीशन मिल गई आप लोगों को, कंडीशन क्या आएगी कि एक्स इंटू वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो से छोटा होना चाहिए। किस केस में बराबर होते हैं सर, तो सिर्फ एक ही केस में बराबर होते हैं, लाइक एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, अगर आपका एक्स और वाई सेम साइन के हो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये रही आपकी। ठीक है, कि ये कब होगा सर, कि जब एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा, क्लियर है? अच्छा सर, क्या कभी ये सर बड़ा हो सकता है क्या? ये कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता, क्लियर है? ठीक है बेटा, आपका ये तो अभी पॉजिटिव के लिए था, ये अभी नेगेटिव के लिए आएगा कि मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ फाइव। तो क्या है कि मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ फाइव, ये कब होगा, जब आपका एक्स और वाई का जो है सेम साइन होगा। ठीक है, अगर एक्स और वाई सेम साइन के होंगे तो बेटा ये वाला केस आपका होगा, क्लियर है? आप इसमें कुछ रेंडम केसेस ले सकते हो, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू लेकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कंडीशन आपकी ये रही। ठीक है, एंड मोड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, ये कब होगा सर, जब एक्स और वाई के जो है डिफरेंट साइन होंगे ना, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है? और मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, ये कभी भी पॉसिबल नहीं, क्लियर है? ठीक है बेटा,
तो भाई आज के लिए इतने रखते हैं मैं कुछ, ये बेटा जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है इनके ऊपर क्वेश्चन से ये ट्राई करके देखना, ठीक है? एंड अगर मंडे को मैं क्लास लूंगा ना बेटा तो मैं थोड़ा सा जल्दी क्लास ले लूंगा फिर, ताकि ये होमवर्क आपको जल्दी, बेटा जो जल्दी क्लास में आएगा उन्हीं को ये होमवर्क दिखेगा फिर, ठीक है? तो मैं बोल दूंगा जब भी मुझे पता। अच्छा मंडे के दिन आपकी क्लास कितनी बजे होती है? हाँ जी सर, 8:30। 8:30 पे होती है, तो फिर इसको मैं क्लास के बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है? इन केसेस को मैं क्लासेस के बाद डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है? एंड ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टेस्ट का मैं बता दूंगा जो भी होगा कल आपको पता चलेगा, ठीक है? ओके सर। ये वाले क्वेश्चन ट्राई करके देखना, ये आपकी जो अभी प्रॉपर्टी पड़ी है ना उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए फिर आज के लिए। यस सर। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। अगर किसी को कुछ पूछना हो बेटा तो पूछ सकता है। बाय। किसी को कुछ पूछना है? यस सर। हाँ जी।